इंदिरा अम्मा आवास योजना के लिए पहले किश्त 10,000 रुपया मेरे को मिले जो मैंने मकान की बुनियाद में डाला, मगर पैसे ही कम हो गए, बुनियाद पूरी नहीं कर पाया। तो वो ठेकेदार गारू बोल रहा है कि ये जो सरकार तेरे को 30,000 दे रही है इससे तेरा मकान नहीं बनेगा और 40,000 रुपया होना। साहब मेरे को मकान नहीं होना, ऐसा बोल के वो 10,000 वापस करने के वास्ते मैं जमींदार गारू के पास फिर कर्जा लिया। अब वो कर्जा जो है मेरे गले की हड्डी बन गया। कैसा? अभी देखो ना वो जमींदार गारू क्या बोल रहा है। नारायण तू, तेरी जोरू, तेरे बच्चे सब मिलकर मेरे खेतों में काम कर और अपने कर्जे को उतार। सब क्या बोलूं आपको, 1 साल से हम पूरा परिवार उसके खेतों में काम कर रहे हैं लेकिन मेरा कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तेरा कर्जा मैं ना करूं क्या? चल चल यहाँ से। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा होगा क्या, बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। ले जाओ जी उसको। अरे नारायण काहे को नहीं जाता तू? मैं तेरे वास्ते बड़े बाबू बात करूंगा, हाँ फिक्र नको। जमाना इस खराब है, अजीब लोग हैं। सरकार स्कीम बनाती, पैसे देती, ये लोग खा पी के उड़ा देते, स्कीम को फेल कर देते। मगर तुम कौन है? अब ये इनो अरमान अली पे बाबू, इनको बावड़ी खुदवाने के वास्ते बीपीएल का सर्टिफिकेट चाहिए। ये इनकी अर्जी और ये हमारे सरपंच बालमा की सिफारशी चिट्ठी। मगर इन्हों तो कहीं से भी गरीब नहीं दिख रहा है ना, अच्छा खासा मोटा ताजा है। मोटा नहीं साहब, मैं ऐसे ही फूल गया हूँ। तो क्या है ना कि मैं पैदल चलने का मौका नहीं मिलता ना, आखा दिन गाड़ी में चलते रहता हूँ। क्या है जनार्दन बाबू, कार चलाने वाले रईस ज़ादे को बीपीएल सर्टिफिकेट दिला रहे हैं? नहीं यार आपको गलत फहमी हो रही है, मैं रईस नहीं, मैं अरमान अली हूँ। मैं बम्बई में ड्राइवर हूँ साहब। टेम्पररी बड़े बाबू, टेम्पररी। मैं भी एक बार गया था मुंबई को, वीटी स्टेशन पे क्या जबरदस्त सामान बिकते है भाई। हो ये घड़ी भी वहां से खरीदे? हो देखेंगे। ओहो क्या जबरदस्त घड़ी है भाई, मेड इन स्विट्जरलैंड, 1,000-2,000 की तो होंगी। इतनी महंगी घड़ी पहन के गए तो साहब बीपीएल का सर्टिफिकेट देते, आप ही बोलो। आप ही पहन लो साहब। बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये आपका एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दे के आता हूँ। घड़ी तो तुम्हारी गई मगर बावड़ी मिल जाएंगी, समझो। परवा नहीं, गरीबी की रेखा के ऊपर हो कि नीचे? कहो मतलब तनख्वाह कितनी मिलती है तुमको? ड्राइवर की क्या तनख्वाह साहब, ऐसा समझो कि महीने की शुरुआत में जब हाथ में पैसे आते तो मैं गरीबी रेखा के ऊपर, फिर हफ्ते बाद जब पैसे खत्म हो जाते तो गरीबी रेखा के नीचे। इंटरेस्टिंग। चलो तुम्हारी इकोनॉमी का ग्राफ खींचते। ये क्या है? लकीर? लकीर नहीं, गरीबी की रेखा, लाइन ऑफ पॉवर्टी। ये कौन है? पुतला। पुतला नहीं, ये तुम हो, अरमान अली वल्द लियाकत अली। अब महीने की शुरुआत में तुमको कितना मिल जाता है? अब मैं आपको सच बताऊंगा, आप मुझे हकाल देंगे? नहीं हकालेंगे, तुम बताओ। बोले 1,000 के ऊपर ही समझो। चलो 1,500 मान लेते हैं। अब 1,500 लेकर के अरमान अली इस गरीबी की रेखा पे चलता है, ठीक। अब एक हफ्ते के बाद कितना नीचे आ जाता है? पूरा इंच नीचे आ जाता है। पूरा इंच नीचे? पूरा का पूरा? कैसे मतलब, तुम्हारे नीचे आने का हिसाब क्या है साहब? खोली का भाड़ा भरा, तब भी मेरे भाई रहमान अली का खत आता है,
कि मुस्कान की फीस भरने पैसा भेजो, फिर उसके दुनिया भर के लफड़े उसके पैसे भेजने, फिर खाना पीना दवा दारू फिर पान मसाला बीड़ी सिगरेट। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दवा साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें ही ये मैं जो कर के माहो ऊपर नीचे होते ही रहता हूँ। ठीक है, जाके बड़े बाबू से मिल लो, बाकी बात तो समझा देंगे। आओ साहब। अरे अरमान भाई, क्या बोले साहब तुमको अंदर? बाकी बात बड़े बाबू बता देंगे, ऐसा बोले। बिल्कुल ठीक है, तो फिर लोग अपन लोग बैठ के आपस में बाकी बात कर लेंगे। ये बाकी बात है ही क्या अरमान गारू? असली बात असली नहीं होती, बाकी बात ही असली होती है। ओके उतर। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने का कुछ भी नहीं है भाई, तुमको परमानेंटली गरीबी रेखा के नीचे रहना है या टेम्पररी? टेम्पररी अच्छा होएगा, नहीं फिर वापस ऊपर जाने का होएगा तो तकलीफ होएंगी ना। सोच लो मियाँ, आज के जमाने में हर कोई गरीबी रेखा के नीचे रहने की कोशिश में है। ऐसा कायकू? कायकू बोले तो गरीबी रेखा के नीचे गए तो बहुत फायदे है भाई, बौड़ी फ्री, दुकान फ्री, मकान फ्री, बच्चों की स्कूल की फीस माफ, सस्ता राशन मिल रहा, 1.5 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, और क्या होना। तो फिर परमानेंट करवा दीजिए। तो फिर ठीक है, 20 दीपावली साहब के, 5 दशहरा मेरा। दीपावली दशहरा मैं समझा नहीं। अरमान गारू, बावड़ी की रकम मिलेगी ना, उसमें 20% साहब लेंगे और 5% बड़े बाबू। ओके ओके खुश। हाँ, ओके।